हेलो ट्रेडर्स, मेरा नाम है शुभम और स्वागत करूंगा आप सभी का हमारे चैनल शुभकदम में। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कल के मार्केट एनालिसिस के ऊपर, यानी कि कल के मार्केट सेशन के लिए मैंने जो जो स्टॉक्स फाइंड किए वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, उसकी इन डिटेल में एनालिसिस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और साथ में ही निफ्टी और बैंक निफ्टी के व्यूज भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम स्टॉक से स्टार्ट करते हैं और निफ्टी और बैंक निफ्टी वीडियो के एंड में देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गोदरेज कंज्यूमर का यहाँ पर चार्ट लगा हुआ है और ये स्टॉक यहाँ पर मैंने कल भी यहाँ पर आपके साथ में डिस्कस किया था, शेयर किया था कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा इंट्राडे का ट्रेड बन सकता है। कल हमने यहाँ पर बीपीसीएल भी डिस्कस किया था, उसने भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। बाद में हमने एचडीएफसी बैंक बात की थी, एचडीएफसी बैंक में भी बहुत ही अच्छा ट्रेड बना, पर यहाँ पर गोदरेज कंज्यूमर में हमें आज ब्रेकआउट देखने को नहीं मिला। तो सिंपल सा कल यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। अभी यहाँ पर फिर से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पर एनालिसिस क्या है। ये वन डे का टाइम फ्रेम है और वन डे के टाइम फ्रेम में आप सिंपल सा देख सकते हैं कि यहाँ पर एक डबल टॉप पैटर्न बन रहा है। प्राइस ने यहाँ पर ब्रेक डाउन कर दिया और यहाँ पर प्रीवियस हाई जो यहाँ पर लगाया था, यहाँ पर हम क्या से कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रीवियस स्विंग हाई जो लगाया था, यहाँ पर प्राइस सस्टेन कर रही है और अगर ये यहाँ पर से ब्रेक डाउन कर देगी तो एक बहुत ही अच्छा इंट्राडे ट्रेड बन सकता है और इस वाले सेटअप पे हम यहाँ पर काम करने वाले। और अगर हम यहाँ पर से 15 मिनट टाइम फ्रेम में चले तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पर आज यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं देखने को मिला, यहाँ पर आज पूरा कंसोलिडेशन देखने को मिला। ठीक है, तो हो सकता है कि इस वाले कंसोलिडेशन का कल ब्रेकआउट मिले। अगर यहाँ पर से ब्रेकआउट मिलेगा, अच्छा वॉल्यूम होगा ब्रेकआउट के टाइम पे, तो श्योरली मैं यहाँ पर एक अच्छा सा पुल बैक देखकर शॉर्ट का ट्रेड देखना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर बियरिश प्रेशर हो रहा है। आप सिंपल सा देख सकते हैं कि यहाँ पर प्राइस लोअर हाइज बना रहा है और उसी की वजह से ये डाउन साइड में ब्रेकआउट दे सकता है, ये अप साइड में भी ब्रेकआउट दे सकता है और एक अच्छा सा ट्रेड बन भी सकता है, पर यहाँ पर बियरिश प्रेशर मुझे ज्यादा लग रहा है। इसी वजह से थोड़ा सा मैं देखूंगा कि यहाँ पर शॉर्ट साइड में ट्रेड लूँ, अगर लॉन्ग साइड में ट्रेड लूंगा तो थोड़ा सा पोजिशन साइजिंग कम रखूंगा और उस हिसाब से यहाँ पर मैं ट्रेड लूंगा। ठीक है, तो होप है कि आपको ये एनालिसिस समझ गया। अभी नेक्स्ट स्टॉक में चलते, तो सिंपल सा आप यहाँ पर देख सकते कि सेल का चार्ट लगा और सेल में यहाँ पर एनालिसिस क्या है। एनालिसिस एकदम सिंपल है, मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में लेके चलना चाहता हूँ और सेल अपने इंपॉर्टेंट लेवल पे आ चुका है, इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन पे आ चुका है। सिंपल सा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड लाइन है और यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस लिया और रेजिस्टेंस इसको हमारे मंथली बेसिस वाले पीओसी का भी है और उसी की वजह से यहाँ पर एक हम कह सकते हैं कि इवनिंग स्टार पैटर्न बनाया। यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल के बाद में यहाँ पर डोजी कैंडल और डोजी कैंडल के बाद में यहाँ पर एक बियरिश कैंडल। ठीक है, तो उसके बाद में एक हम कह सकते हैं कि डाउनफॉल आना चाहिए था, पर मार्केट यहाँ पर सस्टेन कर रहा है, यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है ना, तो उसी वजह से यहाँ पर अगर कल ब्रेकडाउन मिलेगा तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा इंट्राडे का ट्रेड बन सकता है। हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं और थोड़ा सा देखते हैं, तो आप सिंपल सा देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट जो है वो हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बना रहे हैं, यहाँ पर मल्टीपल शोल्डर्स बन रहे हैं और अगर ये ब्रेकडाउन कर देगा तो आप सिंपल सा देख सकते हैं यहाँ पर 200 पीरियड की मूविंग एवरेज भी है, इसका भी ब्रेकडाउन हो जाएगा। उसी वजह से एक अच्छा सा फॉल हमें यहाँ पर मिल सकता है, अगर हाइयर वॉल्यूम के साथ में यहाँ पर से ब्रेकडाउन मिलता है तो श्योरली मैं यहाँ पर शॉर्ट का यहाँ पर ट्रेड लेने का ट्राई करूंगा, मैंने पूरा रीजन आपको बता दिया है। अभी अगला जो चार्ट है वो है नेशनल एल्यूमिनियम। अभी ये भी चार्ट यहाँ पर मैंने क्यों सिलेक्ट किया, थोड़ा सा मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में लेके चलना चाहता हूँ और प्राइस थोड़ा सा देखिए यहाँ पर क्या कर रही है। ठीक है, प्राइस यहाँ पर भी एक बियरिश सॉरी एक इवनिंग स्टार पैटर्न बना रही है, एक ग्रीन कैंडल, एक हॉल्ट कैंडल, उसके बाद में एक बियरिश कैंडल और उसके बाद में यहाँ पर भी प्राइस होल्ड कर रहा है और एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है। ठीक है ना, और ये डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न हमारे मंथली बेसिस वाले वैल्यू एरिया हाई पर बन रहा है और अगर ये ब्रेकडाउन कर देगा तो ये अपना वैल्यू एरिया लो जो है वो टेस्ट कर सकता है प्राइस। ठीक है, तो उसी वजह से यहाँ पर बहुत ही अच्छे स्विंग ट्रेड भी बन सकते हैं और साथ में कल के लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा इंट्राडे ट्रेड भी बन सकता है। किस तरह से मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट करूंगा, मैं सिंपल से आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम में लेके चलना चाहूंगा और प्राइस कंटिन्यूअसली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ही रेंज में यहाँ पर कंसोलिडेट कर रही है और अगर ये सपोर्ट टूटेगा, यहाँ पर 200 पीरियड की मूविंग एवरेज भी है और अगर ये सपोर्ट टूटेगा तो डाउनसाइड में मैं यहाँ पर सिंपल सा सेलिंग के ट्रेड्स लेना चाहूंगा, यहाँ पर मैं पुल बैक देखकर शॉर्ट की पोजीशन यहाँ पर लेना चाहूंगा। बहुत ही सिंपल एंड क्लियर एनालिसिस है। ठीक है, अभी अगला जो चार्ट है वो है रिलायंस का। रिलायंस में मतलब ऐसा पर्टिकुलर ट्रेड में आपको नहीं बताना चाहता हूं, पर रिलायंस अपने इंपॉर्टेंट लेवल पे आ चुका है। अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं तो आज पूरा निफ्टी ने यहाँ पर लगभग 18,000 ब्रेक किया, पर रिलायंस आज यहाँ पर गिर रहा था। क्यों गिर रहा था मैं आपको इसके पीछे का रीजन बताना चाहता हूँ कि रिलायंस में अगर आप थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा सा मैं आपको डिटेल एनालिसिस बताने वाला हूँ, तो रिलायंस में क्या हो रहा है, बहुत ही अच्छा इम्पल्स मूव लगा
इम्पल्स मूव के बाद में यहाँ पर बहुत ही अच्छा करेक्शन दिखा और करेक्शन के बाद में और एक इम्पल्स मूव दिखा। ठीक है, अभी ये अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है और ऑल टाइम हाई पे एक रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस के बाद में और एक करेक्शन आता है। जैसे कि प्राइस यहाँ पर भी कभी भी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रही थी और उसके बाद में यहाँ पर करेक्शन आया था, सिमिलरली प्राइस अभी एक इंपॉर्टेंट ऑल टाइम हाई के रेजिस्टेंस पर है। अभी आप पूछोगे कि ऑल टाइम हाई पे कौन सा रेजिस्टेंस, तो ऑल टाइम हाई पे रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम फिबोनाची एक्सटेंशन टूल का यूज करते हैं। ठीक है, फिबोनाची एक्सटेंशन टूल मतलब क्या, मैं यहाँ पर रिट्रेसमेंट पे फिबोनाची का टूल लगाऊंगा। जैसे कि ये वाला हाई लेके मैंने इस वाले लो पर लगाया, मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ कहाँ पर लगाया। आप सिंपल सा देख सकते हैं ये हाई पे और ये वाला जो रिट्रेसमेंट का लो है यहाँ पर मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगाया। ठीक है, तो आप सिंपल सा मैं अगर यहाँ पर जूम इन कर दू तो आप यहाँ पर देख सकते कि प्राइस अभी 1.618 के गोल्डन फिबोनाची एक्सटेंशन रेशियो पर है और ये जो रेशियो है वो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करता है। अगर मैं आपको प्रीवियसली भी दिखाना चाहूँ यहाँ पर, तो प्राइस ने इस वाले रेशियोज को बहुत ही अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। अगर 1 रेशियो का हम बात करेंगे तो प्राइस ने यहाँ पर सिंपल सा उसको ब्रेक कर दिया, पर प्राइस इसको टेस्ट करने को आई। ठीक है, इसका मतलब ये रेशोज बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इस यहाँ पर भी सिंपल सा 1.272 का रेशो ब्रेक कर दिया, पर प्राइस इसको रिस्पेक्ट कर रही है, यहाँ पर रिटेस्ट क्लियर है, उसके बाद में यहाँ पर से ऊपर जा रही है। पर अगर हम थोड़ा सा अभी क्या हो रहा है देखेंगे तो प्राइस गैप अप ओपन हुई और उसके बाद में यहाँ पर एक फॉल नजर आया और वॉल्यूम भी उतना ही है जितना इस वाले ग्रीन कैंडल में, उस वजह से थोड़ा सा यहाँ पर हमें प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है। रिलायंस में थोड़ा सा करेक्शन हमें दिख सकता है, शॉर्ट साइड में हमें रिलायंस में इंट्राडे में ट्रेड्स बन सकते हैं। यही एक एनालिसिस में आपको बताना चाहता है कि रिलायंस में एक अभी जो है वो इम्पोर्टेंट प्राइस पर, हम कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट लेवल पर प्राइस ट्रेड कर रही है, उस वजह से थोड़ा सा वॉचलिस्ट में होना चाहिए। ठीक है, तो ये थी मेरी स्टॉक्स की एनालिसिस। अभी यहाँ पर से निफ्टी और बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं, तो निफ्टी में सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट है और यहाँ पर हमने कल निफ्टी में बात की थी कि निफ्टी एक इम्पॉर्टेंट लेवल पे आ चुका है और वहां पर एक हॉल्ट कैंडल बना रहा था और हमने बात की थी कि अगर ये आज ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा तो एक अच्छी सी रैली हमें यहाँ पर दिख सकती है। तो हॉल्ट कैंडल के बाद में बहुत ही अच्छी बुलिश रैली दिखाई दी और बुलिश रैली के बाद में यहाँ पर हमें फॉल फिर से डाउनफॉल दिखाई दिया। वो क्यों दिखाई दिया, क्योंकि रिलायंस की वजह से, रिलायंस यहाँ पर गिर रहा था और रिलायंस क्यों गिर रहा था उसके पीछे का भी मैंने आपको रीजन बता दिया है। कल यहाँ पर हम किस तरह से कल ट्रेड कर सकते हैं, तो सिंपल सा देख सकते हैं कि प्रीवियस हाई ये जो है यहाँ पर प्राइस रिटेस्ट कर रही है। ठीक है ना, अगर प्राइस यही पर रेंज में खुलेगी तो हो सकता है कि इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करे। जैसे कि प्राइस यहाँ पर नीचे आ रही है, फिर से बाउंस दिखा रही है, नीचे आ रही है, फिर से बाउंस दिखा रही है, यहाँ पर से भी नीचे आई और यहाँ पर से भी एक बाउंस दिख सकता है। ठीक है, तो सिंपल सा अगर यही पर रेंज में ओपन होती है तो मैं यहाँ पर बाइंग के चांसेस ढूंढने का ट्राई करूंगा और अगर ये गैप डाउन खुलती है तो यहाँ पर मैं इस वाले ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन को ट्रेड करने का ट्राई करूंगा कुछ इस तरीके से। अगर गैप डाउन खुलते हैं तो वैल्यू एरिया लो पर यहाँ पर मैं कोई भी अगर बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर बियरिश प्रेशर मुझे दिखता है तो मैं यहाँ पर शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करने का ट्राई करूंगा। अगला सपोर्ट होगा हमारे इस वाले मंथ का वैल्यू एरिया हाई। ठीक है, इतना क्लियर है निफ्टी का एनालिसिस। अभी अगला जो चार्ट होगा बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी में आपको जूम आउट करके दिखाना चाहता हूं, यहाँ पर एक राइजिंग वेज पैटर्न बन रहा है और प्राइस रेजिस्टेंस को टच कर रहा है। ठीक है, हो सकता है कल प्राइस यहाँ पर सपोर्ट पर आए, यहाँ पर सपोर्ट ले और यहीं पर से बाउंस ले, तो उस रिस्पेक्टिव लेवल्स में यहाँ पर ट्राई करूंगा कि ट्रेड करूं। एक तो मैं यहाँ पर ब्रेकआउट पे ट्रेड करने का ट्राई करूंगा, अदरवाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो एरिया है वो सुपर सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मंथली बेसिस वाला वैल्यू एरिया हाई भी है जो कि सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पर हमारी ट्रेंड लाइन भी है और साथ में यहाँ पर प्रीवियस हाई लगाए थे इसका भी सपोर्ट है। इसी वजह से अगर प्राइस यहाँ पर आएगी, सपोर्ट लेगी, कोई अच्छा सा हम कह सकते हैं कि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगी तो मैं यहाँ पर से बाय करने का ट्राई करूंगा, अदरवाइज यहाँ इसके नीचे सेल करने का ट्राई करूंगा और इसके ऊपर जो है वो बाइंग का ट्राई करूंगा, पर थोड़ा सा बाय साइड में ही मेरा रहेगा। ठीक है, तो होप है कि आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी की भी एनालिसिस समझ गई होगी और स्टॉक्स की भी एनालिसिस समझ गई होगी। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ ट्रेडिंग के साथ शेयर कर दीजिए और आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।